क्लास टेंथ 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है रीड करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द इन दिस फिगर। फिगर में क्या दे रखा, पी क्यू इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, समझते हैं, एक सर्कल है उसका कोई सेंटर ओ है, ठीक है। इस सेंटर से होकर जा रही है एक लाइन क्यू आर, ठीक है, और यहीं से बन रहा है एक ट्रायंगल, कौन सा, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें राइट एंगल का साइन बना देते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की वजह से यहाँ एक पार्टीशन बन रहा है इस सर्कल में, इसे शेडेड पार्ट जो हो रहा है इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। लेकिन एरिया निकालने से पहले हम एक चीज़ देख लें कि यहाँ इस ट्रायंगल में अगर हमें दो चीज़ पता है, एक तो दे रखा है पी पी क्यू दे रखा है और एक पी आर दे रखा है, ठीक है, ये दोनों चीज़ पता है, तो मुझे अगर क्वेश्चन करना है तो मुझे आर की वैल्यू बतानी चाहिए। आर कब पता चलेगी, जब मुझे ये पूरी डायमीटर पता हो, समझ रहे हो ना, जब डायमीटर पता हो। और डायमीटर कैसे निकलेगी, देखो हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या यूज़ करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर यूज़ करते हैं ना। तो इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस डायमीटर की लेंथ को निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं इसमें यूज करूंगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो ये तो 90 डिग्री बन रही है, ये तो हो गया बेस, बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ी हुई है वो तुम्हारी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो होगी परपेंडिकुलर, और उसके सामने होती है हाइपोटेनस। तो मैं क्या लिखूँ, हाइपोटेनस कौन सी है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस का पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी आर कितनी है, पी आर है 7, पी आर कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितनी है, पी क्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 576, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करके कितना आ गया, क्योंकि 6 और 9 कितना हो गया 15, बच गया 1, और 4 और 5 11 12 12 और ये 5 और 625 आ गया, ठीक है। ये क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, और खाली क्यू आर क्या है, मतलब क्या होगा, ये होगा रूट के अंदर 625, यानी कि क्यू आर कितना निकल के आ गया, ये आ गया हमारा 25, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25, ठीक, 25 सेंटीमीटर ये हमारी क्या आ गई, क्यू आर, तो ये क्यू आर कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो देखो क्यू आर का मतलब क्या होगा, डायमीटर, तो डायमीटर का मतलब हो गया जो क्यू आर है, ठीक है, वो कितनी है 25, तो मैं आर कैसे निकालूं, आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन टू, यानी कितना हो 25 अपॉन 2, ठीक। इसे ऐसे रखेंगे ताकि कैलकुलेशन में अगर काम आ जाए, तो हमारे पास ये सेंटीमीटर आ गई, आर निकल गया ये हमारे पास, ठीक है, आर निकल गया। तो अब देखो शेडेड पार्ट जो निकालना, मुझे शेडेड पार्ट का निकालने के लिए क्या करूँगा, देखो ये सर्कल मेरा आधा आधा डिवाइड है, ठीक है, हाफ सर्कल ये है, हाफ सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल आ रहा है और शेडेड पार्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे शेडेड पार्ट निकालना तो हाफ सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर दूँ, हाफ सर्कल में से अगर ट्रायंगल को निकाल दूँ तो मेरे पास ये शेडेड रीजन बच जाएगा, समझ में आया ना, शेडेड रीजन में ये भी आ रहा है यहाँ से, ये भी ध्यान रखना, नीचे वाला हिस्सा ये हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसको निकालें कैसे, देखो कैसे निकालते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, निकालते हैं। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब सेमी का मतलब आधा, जो एरिया है सर्कल का उसका आधा कर दो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा है तो मतलब आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, समझ में आया, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है भाई, ट्रायंगल ये कैसा है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, सही है, ठीक। तो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, आर कितना है हमने अभी निकाला है, कितना होगा 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना है भैया, बेस तुम्हारा है 7, समझे ना,
बेस कितना है 7, और जी हाइट कितनी है, हाइट 24, सही है 24, 2 से काटा 12 बार, ठीक, और यहाँ ये कट गया 11 बार, तो कितना बच गया, 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में क्या बच रहा है 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, माइनस का यहाँ क्या बच गया, यहाँ रह गया 7 मल्टीप्लाई 12, ठीक। अब अगर इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 ये हो गया 6875 अपॉन 7 2 14, 14 2 28, ये हो गया 28, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 6875 माइनस, और 12 7 जा 84, ठीक, नीचे वन मान लें तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके कितना जाएगा ये 28 ही आएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 28 से 21 टाइम्स वन की मल्टीप्लाई इससे करा 6875 माइनस का, वन की 28 से मल्टीप्लाई करी, डिवाइड करा तो 28 मल्टीप्लाई 84, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें हम तो ये आएगी 2352, ठीक है जी 52। अब इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो ये आ गया 4523 अपॉन 28, सही है, और इसको काट लें या तो यहीं तक छोड़ दो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, या इसको काट लो, काटने के बाद में कितना जाएगा, ये आएगा डिवाइड लगाने के बाद में 161.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया 161.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या करना था गौर से देख लो, उन्होंने शेडेड रीजन पूछा था, शेडेड रीजन का ये निकल गया, कैसे भाई, एक सर्कल है, सर्कल में जो सर्कल बना हुआ है उसका सेंटर ओ है, और इस पर से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल के बीच में तो मैं हाफ सर्कल में एक ट्राइंगल भी दे रखा है, और ट्रायंगल का क्या करना है हमें, अगर हमें शेडेड पार्ट निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला लगा दो सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा है तो आधा ही कर दो उसका एरिया का, ठीक है, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इनटू हाइट, वैल्यू रखो और काट के आंसर निकल आया, एरिया कितना निकल आया 161.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।